दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि सैमसंग अपने बजट फ़ोन बनाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ की सैमसंग पीछे एक्सपेंसिव फ़ोन बनाने भी नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक्सपेंसिव फ़ोन की, जो है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A8s। तो दोस्तों, ए सीरीज़ सैमसंग की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में से ये फ़ोन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस एंड रिलीज डेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको A8s की सारी जानकारी अपने चैनल पर टाइम से टाइम देता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस फ़ोन में सबसे खास इसकी डिस्प्ले ही लगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में ही। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें इस डिस्प्ले में आपको कोई भी किसी भी तरह की नॉच नहीं देखने को मिलेगी। बट दोस्तों, इसमें आपको पिन होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, इस डिस्प्ले में क्या होता है, इसमें डिस्प्ले में एक होल होता है, उसी के अंदर आपका कैमरा होता है। बट दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी, 2018 का ट्रेंड था नॉच, बट दोस्तों 2019 का जो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेंड चल रहा है वो है पिन होल डिस्प्ले। तो ये सैमसंग ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात की है, इस फ़ोन में पिन होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो दोस्तों, डिज़ाइन के नाम पे इसमें आपको मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा इसकी मजबूती को चार चांद लगा देती है। और दोस्तों, साइड में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा ऑन ऑफ बटन, और उसी के अपोजिट साइड में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन। तो दोस्तों, लीक्स के हिसाब से इसमें साइड की तरफ ही हमें स्पीकर देखने को मिल जाएगा, और नीचे हमें देखने को मिलेगा हमारा टाइप सी USB पोर्ट, जिससे आप चार्जिंग कर सकते हो। और दोस्तों, उसी के साथ आपको एक हमारा माइक भी देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की। दोस्तों, इसमें आपको ट्रिपल हमारा कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, और उसी के थोड़ी सी साइड में हमें देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसी की थोड़ी सी नीचे हमें देखने को मिल जाएगा सैमसंग लिखा हुआ। तो दोस्तों, डिज़ाइन इसका मुझे एकदम भयंकर लगा, जो इसका डिज़ाइन है, इसकी इस डिस्प्ले मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको परफॉर्मेंस के नाम पे स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का आपको 710 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा विद 2.2 GHz, जो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर इस फ़ोन के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, बात करें ग्राफिक्स की, अगर इसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है तो ग्राफिक्स की बात करना ज़रूरी है। तो इसमें आपको 660 आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा एड्रिनोज का। दोस्तों, अगर बात करें स्टोरेज की, तो दोस्तों स्टोरेज के नाम पे इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे, एक होगा 6GB रैम और दूसरा होगा 8GB रैम। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 6GB रैम की। दोस्तों, 6GB रैम वाले वेरिएंट में आपको 128GB हमारी इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। अभी पता नहीं है इसमें मेमोरी कार्ड लगेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, रैम और प्रोसेसर के हिसाब से इसमें भैया इसका परफॉर्मेंस एकदम बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा। हमें सैमसंग में ज़्यादातर हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है, वो इस फ़ोन में हमें मुश्किल देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा और बैटरी की। तो भैया, रियल कैमरे इसमें आपको तीन मिल जाएंगे, एक होगा 24 MP, एक होगा 10 MP, एक होगा 5 MP। फ्रंट कैमरा इसमें आपको 24 MP का देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लास्ट में बैटरी की। तो भैया, बैटरी इसमें आपको 34 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ये बैटरी लिथियम आयन की होगी। दोस्तों, हमें इसमें सारी कनेक्टिविटी, सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर बात करें रिलीज डेट की, तो भैया लीक्स के हिसाब से सामने आ रही हैं ये 26 फरवरी तक, इसके आसपास भी हो सकता है रिलीज़ इंडिया में हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका कोई शिकायत व सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर तो दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ वीडियो के एंड में आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।